हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार लेसन नीदर नॉर और इधर। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पूछा है, सर हमें आप बताएं नीदर नॉर और इधर यूर का यूज कैसे होता है और इसका ट्रांसलेशन में हम कैसे यूज करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब कैसे लगाएंगे। आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि नीदर नॉर और इधर और का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपको मिल सके। आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं। अगर हम नेदर नॉर और इधर और की बात करें तो इसकी यूज को सबसे पहले देखेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। अगर नीदर नॉर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, इसे हम निगेटिव सेंस में यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा निगेटिव सेंस में। और इधर और को पॉजिटिव सेंस में, इसका मतलब होता है दो में से एक, यानी नीदर नॉर निगेटिव और इधर और पॉजिटिव, इसका मतलब दो में से एक। आइए इसके कुछ ट्रांसलेशन वर्जन की अगर बात करें तो देखते हैं अनुवाद करके इसको हम अच्छे से समझेंगे। वह न लेखक है न ही अध्यापक, इसका अनुवाद इस तरह होगा, ही इज नीदर अ राइटर नॉर अ टीचर। अब सेकेंड वाक्य लेते हैं, रमेश न तो पढ़ रहा है न ही खेल रहा है, यानी दोनों काम में से कोई नहीं कर रहा है। रमेश इज नाइदर रीडिंग नॉर प्लेइंग। अगर तीसरे वाक्य की बात करें, वह न सेव खाती न ही ब्रेड, देखिए इसमें दोनों निगेटिव सेंस है, सी नाइदर इट्स एप्पल नॉर ब्रेड। इसी तरह अगर कोई करता दोनों कार्यों में से कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसके सेंस में नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे। अब भाई इधर और पे बात करें, दो में से एक यानी दो कार्यों में से जब एक कार्यों का पॉजिटिव सेंस में होना पाया जाए तो इसे हम इधर और का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह या तो किताब पढ़ रही है या निबंध लिख रही है, यानी दो कार्यों में से एक कर रही है। सी इज आइदर रीडिंग अ बुक और राइटिंग एन एसे। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट हमारे दो कार्यों में से एक कार्य को कर रहा है पॉजिटिव सेंस में, इसलिए यहाँ पे हम इधर और का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वह या तो हॉकी खेलती या वॉलीबॉल, ही प्लेज आइदर हॉकी और वॉलीबॉल। यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए थर्ड वाक्य की हम बात करें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह या तो इलाहाबाद जाएगा या दिल्ली, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो इधर टू इलाहाबाद और दिल्ली, यानी दो जगहों में से एक जगह जाएगा, यानी दो में से एक की जहां बात की जाए तो वहां पे हम इधर और का प्रयोग करते हैं। यानी आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए कुछ हम इससे इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, कि नाइदर नॉर में सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर और आइदर और से जोड़े गए हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार होती है। इस चीज़ को अगर हम डिटेल से एग्जाम्पल में समझें तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, ना ही राम आया और ना ही उसके मित्र आए। ठीक, तो इसमें जो सब्जेक्ट है राम, लेकिन वर्ब इसके सब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हैज नहीं लगाएं, हैव लगाएंगे, क्योंकि राम के अकॉर्डिंग हैज नहीं, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग हैव लगेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो सबसे नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ठीक, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आज नीदर नॉर आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटे को हिट करें, जिससे कि नए से नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।